और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। इतनी भद्दी नाक लेकर चली आई हो हिंदी सिनेमा में हीरोइन बनने, जाओ जाकर शीशे में अपनी शक्ल देखो। जी हाँ दोस्तों, इससे भी कहीं ज्यादा उन कड़वे शब्दों को सहना पड़ा था अपने संघर्ष के दिनों में अभिनेत्री माला सिन्हा को निर्माता निर्देशकों से। लेकिन इस अभिनेत्री के तकदीर में तो लिखा था हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री का खिताब जीतना। सो देखते ही देखते हिंदी सिनेमा के उन नामचीन स्थापित अभिनेत्रियों के फहरिस्त में माला सिन्हा का नाम भी एक मजबूत विकल्प के रूप में शामिल हो गया। हाँ तुम भी जैसी हो जैसा मैंने सोचा था। जा तुझको पुकारे मेरे और फिर एक ऐसा दौर भी आया कि जब उन नामचीन अभिनेत्रियों के पास किसी फिल्म का ऑफर जाता तो उनकी अंतरात्मा से एक ही आवाज आती कि मैं इस रोल के लिए फिट नहीं हूं। इस रोल के लिए अगर कोई फिट है तो वो है माला सिन्हा। जीवन के दो पहलू सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। माला सिन्हा के जिंदगी में दौलत भी थी, शोहरत भी थी कि अचानक एक दिन माला सिन्हा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और माला सिन्हा के घर के बाथरूम से मिलते हैं 12 लाख रुपए। जब इनकम टैक्स अधिकारियों ने माला सिन्हा से पूछा कि आपके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई और आपने इसे बाथरूम में क्यों छुपा के रखा है, तो माला सिन्हा ने जो जवाब दिया वो जवाब इनकम टैक्स अधिकारियों को सही नहीं लगा। बस अब जुल्म की इंतहा हो गई। मामला कोर्ट तक पहुंचा, तारीख पर तारीख चलती गई और मुकदमा चलता गया। जब इस मुकदमे की फैसले की घड़ी आई, जज साहब अपना फैसला सुनाने ही वाले थे कि ये 12 लाख रुपए जब्त किए जाते हैं, लेकिन अचानक माला सिन्हा ने उस कटघरे से खड़े होकर जज साहब को वो जवाब दिया जो जवाब उनसे बार बार पूछा जा रहा था। और जब माला सिन्हा ने वो जवाब दिया तो जज साहब ने भी अपना किया हुआ फैसला जो अब सुनाने ही वाले थे अपने फैसले को बदल दिया। क्या था ये पूरा मामला, क्यों जज साहब को अपना फैसला बदलना पड़ा, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनाते हैं वो किस्सा जो काफी प्रचलित है। एक फिल्म आई थी जहां आरा। कहा जाता है कि इस फिल्म का स्क्रिप्ट सबसे पहले मीना कुमारी के पास गया था। मीना जी ने ये पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी और पढ़कर निर्माता निर्देशक को बुलवाया और मीना जी ने उन दोनों से वो कहा जो उन दोनों को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मीना जी ऐसी बात करेंगी। मीना जी ने वो स्क्रिप्ट लौटाते समय फिल्म के निर्माता निर्देशक को उन्होंने साफ कहा इस कैरेक्टर के लिए मैं फिट नहीं हूं। मेरी राय है कि इस फिल्म के इस कैरेक्टर के लिए माला सिन्हा ही फिट होंगी। फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने मीना जी की वो बात मानी और फिल्म जहां आरा में माला सिन्हा साइन कर ली गई। इसी तरीके से माला सिन्हा के झोली में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में आती चली गईं। लेकिन यहाँ सबसे पहले सुपरहिट फिल्म का जिक्र करना जरूरी हो जाता है जो लीजेंडरी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गुरुदत्त की फिल्म। मैं अपनी खुशी आप हासिल करना सीखी। इस फिल्म से जुड़ा भी एक किस्सा है कि इस फिल्म में तुम्हें खुश देखने के लिए बहुत कुछ। शुक्रिया। जो किरदार माला सिन्हा ने किया था वो किरदार मधुबाला के लिए लिखा गया था। माला सिन्हा की जन्मभूमि कोलकाता में रही है लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि मुंबई को चुना। हिंदी फिल्मों में काम करने से पहले माला सिन्हा नेपाली और बंगाली फिल्मों में काम
कर चुकी थी। 60 और 70 के दशक में माला सिन्हा हिंदी के टॉप अभिनेत्रियों में से एक थी। दोस्तों हम आपको बता दें कि माला सिन्हा जब 16 साल की थी तो कोलकाता के रेडियो स्टेशन में एज सिंगर गाया करती थी। लेकिन माला सिन्हा के एक मित्र ने उनको एक ऐसी सलाह दी जिस सलाह पे अमल करके माला सिन्हा हिंदी फिल्मों की सफल अभिनेत्री बन गई। माला सिन्हा के उस मित्र ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हें प्लेबैक सिंगिंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपनी किस्मत एक्टिंग में आजमानी चाहिए। माला सिन्हा ने अपने उस मित्र की सलाह मान ली और अपने पिता के साथ मुंबई आ गई। मुंबई आकर माला सिन्हा हिंदी फिल्मों के निर्माता और निर्देशकों से मिलना शुरू किया, या यूं कहें कि माला सिन्हा ने अपनी कर्मभूमि मुंबई को तो चुन लिया था जो उस समय बंबई के नाम से जाने जाती थी। बंबई में आकर माला सिन्हा ने निर्माता निर्देशकों से मिलना शुरू किया काम पाने की तलाश में। इसी क्रम में माला सिन्हा एक निर्माता के ऑफिस पहुंची। उस निर्माता ने माला सिन्हा को घंटों अपने ऑफिस में इंतजार कराया और जब माला सिन्हा से उस निर्माता की मुलाकात हुई तो निर्माता ने माला सिन्हा से उनके ऑफिस आने का कारण पूछा। माला सिन्हा ने उतनी ही आत्मविश्वास से कहा कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुंबई में संघर्ष किया नहीं जाता, संघर्ष करवाया जाता है। उस निर्माता ने माला सिन्हा को अपनी फिल्म में काम तो नहीं दिया, लेकिन बिना मांगे जो दिया वो थी मुफ्त की सलाह। और उसने ये सलाह दी कि इतनी चपटी भद्दी नाक लेकर कि तुम हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री बनना चाहती हो। माला सिन्हा जी, आपको मेरी नसीहत है कि ऐसी चपटी और भद्दी नाक लेकर आप हिंदी फिल्मों में काम करने का सपना भूल जाए। इससे बेहतर होगा कि आप एक साफ दिखने वाला एक शीशा खरीद ले, ताकि उस शीशे में अपनी शक्ल देखकर आप अपने आप को बेटर जज कर सके। इतने कड़वे शब्द सुनकर माला सिन्हा के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते थे, या तो उस निर्माता की सलाह को मानकर कोलकाता वापस आ जाए या फिर वहीं डटे रहे, संघर्ष करते रहे। लेकिन खुशी की बात यह है दोस्तों कि माला सिन्हा ने वापस लौटने जैसा आसान रास्ता नहीं चुना, बल्कि वो रास्ता चुना जो कठिनाइयों से भरा हुआ था। माला सिन्हा मुंबई में रहकर संघर्ष करती चली गईं और कुछ पत्रिकाओं के लिए मॉडलिंग शुरू कर दी। और इसी पत्रिका के एक मॉडलिंग की तस्वीर ने माला सिन्हा को अमिय चक्रवर्ती के पास पहुंचा दिया। अमिय चक्रवर्ती उस दौर के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। अमिय चक्रवर्ती ने माला सिन्हा को अपनी फिल्म बादशाह में पहला ब्रेक दिया। बादशाह के बाद आचार्य किशोर साहू ने अपनी फिल्म हेमलेट में माला सिन्हा को एक बार फिर से कास्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से बादशाह और हेमलेट दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। माला सिन्हा इन दोनों फिल्मों के असफलता से बहुत उदास हो गई थी। फिर उन्होंने आत्ममंथन किया और उस आत्ममंथन में माला सिन्हा ने पाया कि वो अपने अभिनय और हिंदी भाषा के उच्चारण में और बेहतर कर सकती हैं। माला सिन्हा ने हिंदी की तालीम ली और अपने अभिनय में निखार लाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की कि किस्मत ने भी माला सिन्हा के सामने घुटने टेक दिए। अब किस्मत माला सिन्हा को उस टगर पे लेके जाना चाहती थी जहां हर कोई माला सिन्हा का मुरीद होने वाला था। यश चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे, धूल का फूल। यश चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए माला सिन्हा को चुना। इस फिल्म में माला सिन्हा को दर्शकों ने एक ऐसे किरदार में देखा जो आज तक माला सिन्हा को इस किरदार में देखा ही नहीं था। माला सिन्हा को इस फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद किया गया और इस फिल्म ने माला सिन्हा के करियर में रफ्तार दे दी। और देखते ही देखते माला सिन्हा नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी, वहीदा रहमान, नूतन, वैजयंती माला के बीच अपना मुकाम बनाने में सफल हो गईं। माला सिन्हा ने अपने 20 साल के करियर में तकरीबन 80 फिल्मों में काम किया। लेकिन माला सिन्हा के साथ एक और प्लस पॉइंट था। माला सिन्हा ने कभी भी न्यू कमर्स को निराश नहीं किया।
और यही कारण था कि माला सिन्हा नए कलाकारों के साथ भी उतनी ही तल्लीनता से काम किया और वो नए कलाकार माला सिन्हा के सामने उस वक्त थे मनोज कुमार। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नजारा और क्या होगा। राजेश खन्ना। मैं हो गई बदनाम तीना सोच तू बच जाएगा। सुनील दत्त। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जा। संजय खान। कबूतर 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 कबूतर। जितेंद्र। चलेगा किसी रोज ये दम आपकी खातिर। और अमिताभ बच्चन। आए तो हाथों रुके तेरा। अब माला सिन्हा के जीवन में दौलत भी थी, शोहरत भी थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन माला सिन्हा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। माला सिन्हा के घर के चप्पे चप्पे की तलाशी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने ली। एक समय उन अधिकारियों को ऐसा लग रहा था कि उनको एक गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन अगले ही पल उनकी ये राय बदल गई। माला सिन्हा के बाथरूम की दीवार से इनकम टैक्स अधिकारियों को जब 12 लाख रुपए मिले तो उन पैसों को देखकर उन अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस समय 12 लाख रुपए की इतनी बड़ी रकम बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर पर भी शायद ही मिल पाता। इनकम टैक्स अधिकारियों ने माला सिन्हा से जब इतनी बड़ी रकम के बारे में पूछा तो माला सिन्हा ने जो जवाब दिया उससे इनकम टैक्स अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में भी वही बात पूछी गई जो इनकम टैक्स अधिकारियों ने पूछी, लेकिन माला सिन्हा के जवाब से कोर्ट भी संतुष्ट नहीं था। एक समय ऐसा आया जब माला सिन्हा और उनके पिता अल्बर्ट सिन्हा को ये लगने लगा कि ये पैसे अब हमें वापस नहीं मिलेंगे। तारीख पर तारीख चलती गई और आखिर वो दिन भी आ गया जब इस केस का फैसला होना था। जज साहब के हाथों में था फैसला और कटघरे में थी माला सिन्हा, जिनको जज साहब अपना फैसला सुनाने ही वाले थे कि अचानक माला सिन्हा ने कहा कि जज साहब मुझे कुछ कहना है। जज साहब ने इजाजत दे दी और उसके बाद जो माला सिन्हा ने कहा सुनने के बाद कोर्ट रूम में एक सन्नाटा पसर गया और उसी सन्नाटे में जज साहब ने अपना फैसला बदल दिया और वो फैसला था माला सिन्हा के हक में। कोर्ट ने सारे पैसे माला सिन्हा को वापस कर दिए क्योंकि माला सिन्हा ने बात ही ऐसी की थी। माला सिन्हा ने कहा कि जज साहब ये 12 लाख रुपए मैंने वेश्यावृत्ति से कमाए हैं, ये पैसे मेरे हैं। कोर्ट ने वो पैसे माला सिन्हा को वापस तो कर दिए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या थी ये आज भी माला सिन्हा ही जानती है, क्योंकि माला सिन्हा को उनके वकीलों ने ही ये सलाह दी थी कि अगर आप अपनी वेश्यावृत्ति वाली बात स्वीकार कर लेती हैं तो कोर्ट आपके पैसे आपको वापस कर देगा। माला सिन्हा को वो पैसे तो वापस मिल गए। खिला जो मेरा दिल सारे बगिया खिले। लेकिन माला सिन्हा के इस फैसले ने माला सिन्हा को पूरे देश के सामने शर्मसार कर दिया। अब इस बयान में कितनी सच्चाई है ये तो माला सिन्हा ही जानती है। ये एक ऐसी घटना है कि एक बार सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक कलाकार इतनी मेहनत से अपनी शोहरत को कमाता है, शोहरत के साथ दौलत भी आती है, लेकिन उसके एक गलत फैसले से दौलत तो उसके पास रह जाती है लेकिन उसने जो शोहरत कमाई वो शोहरत उनके पास कितनी बची हुई है और उस बची हुई शोहरत का वो क्या करेंगे, इसका फैसला आप दर्शकों पे छोड़ता हूं। ऐसा माना जाता है कि माला सिन्हा ने उस फैसले के बाद से अपने आप को एक घर में बंद कर लिया और बहुत ही यदा कदा ही घर से बाहर निकलती हैं। शायद माला सिन्हा के इस फैसले से उनके मन में एक टीस रह गई है। और उसी टीस की वजह से माला सिन्हा ने एकांत को चुन लिया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका फीडबैक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। अब अपने दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा।
अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे किसी नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।